यूपी सिटी न्यूज। हम सभी ने अभी छठ के मौके पर दिल्ली की यमुना की तस्वीर देखी और ये देखिए गाजियाबाद में ये हिंडन नदी है, उसका नज़ारा है। इस नदी के आसपास देखिए कितनी गंदगी का अंबार है और अगर मैं नीचे जा पाऊँ आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए ये सफाई की व्यवस्था है यहाँ पर, तो नदियों का क्या हाल कर रखा है हमारी जो व्यवस्था है, जो सरकार है उसने, वो आप देखिए। देखिए जलकुंभियाँ उगी हुई हैं और एकदम काला पानी है, मटमैला पानी है। हाँ वो यमुना वाला झाग नहीं है लेकिन पानी कहीं से भी उससे साफ नहीं है गुणवत्ता में। और इसी पानी में अगर आप उस तरफ देखें तो उस तरफ देखिए छठ का घाट है और छठ का उत्सव मनाया गया है जस्ट दो दिन पहले। आप देख पा रहे होंगे वहाँ उस तरफ जो अभी भी उसके निशान है छठ पर्व के। और हमने जो लोगों ने इसी गंदे पानी में स्नान किया, इसी गंदे पानी में फेस्टिवल मनाया और सरकारें भले ही दावा करें, आप देख रहे होंगे कि जो इस प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसने दिल्ली की सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि नदी की सफाई नहीं हुई। और वो जाहिर सी बात है ये सत्य है कि सभी ने देखा नदी में जिस तरह से हाल था, लोग छठ मना रहे थे गंदे पानी में। लेकिन यहाँ का जो हाल है वो भी किसी से छुपा नहीं है। ये देखिए हिंडन कितनी साफ है, कितनी स्वच्छ है, ये दावे सब सामने आ जाते हैं इसको देखकर। बेहद ही गंदगी का अंबार है यहाँ पे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये पानी है, देखिए इस पानी में लोगों ने छठ मनाया है। ये है अजीब पीड़ादायक स्थिति है दोस्तों, बहुत पीड़ादायक स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। और दावे करते हैं सरकारें आम लोगों के लिए क्या करती हैं हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। जो नदी है, जो मूलभूत जो प्रकृति का जो एक हिस्सा है, उसको भी उसका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। और सरकारें लाख दावे करें लेकिन यही सच्चाई है कि कोई भी सरकार हो प्रकृति के लिए कोई भी सजग नहीं है। प्रदूषण बढ़ रहा है और नदियों का ये हाल है और जनता इसी हाल में ज़िंदगी बसर करने को मजबूर है। कोई भी उत्सव आए उसको इसी पानी से अपने उत्सवों को पूरा करना है और सरकारी दावे वही है ढाक के तीन पार। नदी के दूसरे घाट पे आ गया हूँ, सामने था मैं, अभी सामने खड़ा था। वो देखिए जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं मैं वहाँ पे खड़ा था, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ देखिए छठ पर्व का जो आपको निशान है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दो दिन तीन दिन पहले अभी छठ पर्व ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है जो छठ पर्व मनाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। और इस पर्व को लोग देखिए किस घाट पे मनाते हैं, जो नदी है, जो उनका मूलभूत हक है उत्सव मनाने का, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति का हाल किस हाल में है वो देखिए। ये देखिए गंदगी का अंबार, देखिए ये पानी है जिसके किनारे वो लोग छठ मनाते हैं, इसमें डुबकियाँ भी मारते हैं लोग। और बात चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की, हमारा मकसद सिर्फ एक है, सच्चाई को दिखाना, और वो सच्चाई आपके सामने है। ये देखिए कि लोगों को जो उनका मूलभूत हक है वो तो मिल नहीं रहा है लेकिन प्रकृति के प्रति कोई भी सरकार सजग नहीं है, प्रकृति को कोई भी सरकार लेकर गंभीर नहीं है। और ये हाल है यहाँ की हिंडन नदी का जो बहुत ही बेहाल है। ये देखिए तो नदियों को जीवन दायिनी माना जाता है हमारे देश में, हमारी परंपराओं में। उस तरफ देखिए अंत्येष्टि हो रही है, वो देखिए उस तरफ अंत्येष्टि का घाट है और इस तरफ उत्सव का घाट है, लेकिन दोनों ही जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं प्रकृति के इस चेहरे से, इस नदी से। और नदी का रूप देखिए किस तरह से, एक गंदगी का अंबार है, वो देखिए घास उगी हुई है और ये घास उगी हुई है उस तरफ, जलकुंभियाँ हैं, चीज़ें बह के आ रही हैं, ये है गंदगी का हाल। आप निश्चित समझ पाएंगे कि जो मेरी कोशिश है वो क्या दिखाने की है, ताकि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन तक ये आवाज़ पहुंच पाए मेरी और वो समझें कि आम जनता को प्रदूषण में हम लोग नहीं रख सकते हैं, कि आम जनता को हम लोग प्रदूषण में नहीं रख सकते हैं, ये समझा जाए सिर्फ। और यहाँ छठ का उत्सव मनाया गया है और यहाँ गंदगी का हाल देखिए, अब कितनी गंदी स्थिति, कितना गंदगी का अंबार है यहाँ पे हिंडन नदी के इस घाट पे।
आपको एक कोशिश अगर हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं, ताकि ऐसे ही जो सामाजिक हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचते रहें, और ऐसे ही नायाब वीडियोज़, और हम ऐसे ही प्रयास करते रहें, हमें उत्साह मिलता है इस चीज़ से। थैंक यू सो मच दोस्तों। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज़ के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।